नोटबंदी के बाद क्या कुछ स्थिति है कोलकाता में, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की सैलरी आ गई है बैंक में, अकाउंट में, लेकिन पॉकेट में नहीं आई है। देख सकते हैं लंबी कतारें यहां पे लगी हुई है, और ये एटीएम है एक्सिस बैंक का, और ठीक इसके पीछे बैंक भी है, लेकिन तमाम सारे लोग कतार में लगे हुए हैं अपने हिस्से के जो पैसे हैं सैलरी के वो निकालने को लेकर, और महीने का जो खर्च होता है उसको लेकर। किस तरह की लोगों की समस्या है हम जानते हैं, किस तरह की मुश्किलें, सैलरी आ गई है लेकिन पॉकेट में पैसा आया बिल्कुल नहीं है, और लगता भी नहीं है कि अभी एक हफ्ता और निकल पाएगा, क्योंकि ऑफिस का छुट्टी लेके हम लोग यहाँ लाइन पे खड़े हैं और पता नहीं कब तक नंबर आएगा। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है कि पॉकेट में अभी पैसे नहीं किसी को देने के लिए, कुछ स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, लिमिट है, तो जिस हिसाब से अपने को एक्सपेंसेस करने के लिए चाहिए उस हिसाब से अपने नहीं विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। बहुत दिक्कत है, पैसे स्कूल का, बच्चों का पैसा देने का है, ग्रोसर्स को देने का, सबका कुछ नहीं हो रहा है। 2000 रुपये में क्या होगा, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं कि समस्या नहीं है। ये समस्या तो बहुत ही है, बट मालूम नहीं क्यों बोल रहे हैं, लेकिन समस्या तो बहुत ही है। लाइन में क्या मुश्किल हो रही है? लाइन में मुश्किल है तो कतार तो बढ़ता ही जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। अगर सर हम आपसे बात करें, सैलरी आ गई अकाउंट में लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं आया, किस तरह की समस्या है? बहुत सारा समस्या हो रहा है, विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रहा है ना, ऑफिस टाइम वेस्ट हो रहा है, लाइन में लगे। अच्छा, दूसरी बात कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि समस्या नहीं है देश में, वो लोगों को क्या पता, जो समस्या है तो हम लोग तो भुगत रहे हैं ना। अब बेहद लंबी लंबी कतारें हैं, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे से कतार में हैं, लेकिन अपनी जो उनकी सैलरी आई है आज भी वो उसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, छोटे अमाउंट उनके हाथ में आए हैं जिससे कि उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है, और इसको लेकर मुश्किल स्थिति में है, और लोग लंबी लंबी कतारों में अपने महीने के खर्च को लेकर लगे हुए हैं। कैमरामैन आलोक घोष के साथ इस समय कोलकाता से रजनीश।